Hello everyone, welcome to the day 66 of my weight loss series. तो जैसे कि मैंने अपने ब्रेकफास्ट में एक चीला लिया है ये बेसन का चीला है तो आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी में चीला को ऐड कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है और इसको बिल्कुल भी गिल्ट फ्री होकर एक से दो चीला आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ सिंपल सा एक मीडियम साइज का चीला लिया है आप चाहें तो एक से दो चीला ले सकते हैं और वेजेस वाला चीला भी बना सकते हैं इसके बैटर में ही काफ़ी सारे वेजेज़ ऐड करके या फिर इसके बीच में पनीर वगैरह के स्टफिंग करके बना सकते हैं साथ में ही मैंने लेमन टी ली है आप नॉर्मल मिल्क वाली टी से लेमन टी ग्रीन टी पे स्विच करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके वेट लॉस के लिए अगर ये मिंट लेमन टी की आपको रेसिपी चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर जा चेक कर सकते हैं साथ ही मैं इंटरमीडेंट फास्टिंग करती हूँ बारह बजे अपना पहला मील लेती हूँ और आठ बजे अपना आखिरी मील लेती हूँ तो करीब मेरी ये आठ घंटे का ईटिंग पीरियड रहता है और सोलह घंटे की फास्टिंग रहती है अगर आप इंटरमीडेंट फास्टिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊँगी और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप वो भी जा करके देख सकते हो लंच में करीब अपना तीन बजे के आसपास कर लेती हूँ लंच में जैसे कि मैंने देखा आपने एक रोटी ली है बहुत ही सारा सैलेड लिया है ये चीज़ नोट करना मैं हमेशा अपना जो भी मील लेती हूँ वहाँ पे ट्राई करती हूँ कि फ़ाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लूँ और काब्स कम लूँ मील को इस तरीके से बैलेंस करके लूँ कि वो पूरा बैलेंस डाइट का एक पार्ट हो साथ ही थोड़ा सा मैंने आप बटर मिल्क लिया है आप अगर रोटी के साथ बटर मिल्क नहीं लेना चाहते तो आप मिड मॉर्निंग में भी इसको ले सकते हैं जैसे आप बारह बजे अपना पहला मील ले रहे हैं तो आप डेढ़ दो बजे के करीब बटर मिल्क लेके तीन बजे अपना लंच भी कर सकते हैं इस तरीके से भी कर सकते हो बटर मिल्क लस्सी या छाछ जिसको कहते हैं ये आप अपने मील में ज़रूर शामिल करो गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा आपके पेट को भी ठंडक प्रोवाइड करेगा साथ ही में आप रोटी जो है वो वीट की ना लेकर के मल्टीग्रेन लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिशिट में रहने की एक टिप ये है कि अपना रोटी खाने से पहले आप सैलड खा करके ख़त्म कर लो जिससे आपका आधा पेट तो पहले ही भर जाएगा और इससे आप दूसरी सर्विंग के लिए भी नहीं जाओगे और हमेशा खाना खाओ ना वो एट्टी परसेंट आप फुल हो जाओ इतना ही खाना चाहिए एकदम हंड्रेड परसेंट सेटिस्फेक्शन हो जाए ना कि हाँ आप पेट भर गया उतना नहीं खाना चाहिए तो ये रूल भी आप फॉलो करो और साथ ही में मैंने शाम में एक, एक ब्लैक कॉफ़ी ले ली है और साथ में ही एक ट्यूटर चॉइस का एक बिस्किट लिया है ये रागी बिस्किट है और शुगर फ्री है डिनर हमेशा कोशिश करो कि जल्दी खा लो अगर आप छः बजे अपना खा करके डिनर ख़त्म कर देते हो तो बहुत ही अच्छा है वेट लॉस में साथ साथ आपको जल्दी सोना भी है अपनी प्रॉपर आठ घंटे की स्लीप तो लो ही लो और डिनर जितना ज़्यादा लाइट रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा जैसे कि मैंने यहाँ पर दलिया ले लिया है डिनर के लिए तो इस तरह की लाइट चीज़ों के लिए ही आप जाओ जैसे दलिया दाल खिचड़ी ये सब चीज़ें आप अपने डिनर में इंक्लूड करने की कोशिश करो रोटी भी आप खा रहे हो तो सिर्फ एक रोटी खाओ और साथ में दाल वगैरह इस तरह से पोर्शन को बैलेंस करके खाओ वही सैलड वगैरह ले सकते हो और मैं हमेशा डिनर के एक घंटे बाद जो है वो ग्रीन टी लेती हूँ तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन सोने से जस्ट पहले ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है कैफेन होने की वजह से उसमें तो आज के लिए बस इतना ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाय वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना